नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ता हो तो देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ताओं को काफी दिनों से कोई भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रही है, ना ही उनको किसी प्रकार की कोई अच्छी खबर इंडिपेंडेंट टीवी के प्रति सुनने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहे हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ता हो तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद में आप इंडिपेंडेंट टीवी को ये मान लीजिए पूरी तरह से भूलने वाले हो और इंडिपेंडेंट टीवी का नाम कभी भी अपने जवाब ऊपर नहीं लोगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द हमारे जियो का एक जियो गीगा फाइबर लॉन्च होने वाला है और जियो गीगा टीवी भी हमारा लॉन्च होने वाला है, जिसके बाद में ये मान लीजिए आप सभी लोग इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस को भूल जाओगे। वैसे तो देखिए इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस को हम भूल ही चुके, इंडिपेंडेंट टीवी हमें कोई भी सर्विस नहीं दे पा रहा है और काफी दिनों तक हमारे इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी बंद पड़ी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ता हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आप बिल्कुल से इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस को पूरा का पूरा भूल जाओगे, यानी कि इंडिपेंडेंट टीवी का नाम आपकी जबान पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, पहले हम आपको इंडिपेंडेंट टीवी की जानकारी दे देते हैं। इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी काफी दिनों से बंद पड़ी है और इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही। बार बार हमें नई तारीख दे दी जाती है और उस तारीख के बाद जैसे हमारा नजदीक आता है, मौका हमारा समय नजदीक आता है तारीख के नजदीक, तो हमारी तारीख को इंक्रीज कर दिया जाता है। और अगर हम कस्टमर केयर पे भी किसी प्रकार की कॉल करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी हमें किसी प्रकार का कोई सेटिस्फिकेशन भरा आंसर नहीं दे पाते वो लोग, और जितना ही बता पाते हैं जितना उनको कंप्यूटर के अंदर सामने दिखाया जाता है। यानी कि वो चीज तो हम हमारे इंडिपेंडेंट टीवी की साइट्स के ऊपर भी देख सकते हैं या हमारे उसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन वही चीज हमारे को वो कस्टमर केयर वाले हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारी भैया इस महीने के अंदर स्टार्ट नहीं होने वाली और अगले महीने की एक तारीख के बाद में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, या 15 तारीख को स्टार्ट हो सकती है, उसके अगले महीने स्टार्ट हो सकती है, कोई भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन इस कन्फर्म नहीं होने की वजह से अब देखिए एक बहुत जल्द हमारे को एक कन्फर्म डेट मिल चुकी है और हमारे जो जियो का नया गीगा फाइबर है वो हमारा लॉन्च होने वाला है और उसकी ऑनलाइन बुकिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। और डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारी जियो की जियो गीगा फाइबर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी अलॉट की जा रही है। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जियो का गीगा फाइबर का अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट की जा रही है। और अगर आप अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कहीं आप चूक ना जाए, कोई ऐसा एरिया आपके मिस ना हो जाए जिसकी वजह से आपको काफी बड़ा लॉस होए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जियो ने एक अपना नया जियो गीगा फाइबर लॉन्च करने की ये मान लीजिए ठान ली है और वो हमारा अगले महीने के अंदर हमारा लॉन्च कर दिया जाएगा। और जियो गीगा फाइबर की जो है उसके साथ साथ हमें जियो गीगा टीवी भी हमें देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर हमारे को डीटीएच की ये मान लीजिए आज़ादी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जियो गीगा टीवी के अंदर हमें 600 प्लस चैनल हमें देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें 50 प्लस चैनल हमें HD के हमें देखने को मिलने वाले, जिसका हमें मान लीजिए किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, हमें केवल जियो गीगा फाइबर का शुल्क देना पड़ेगा और जियो गीगा टीवी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जियो गीगा फाइबर का हमारा कितना अमाउंट रखा जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो लीक्स निकल के आ रही है, जो हमारे को डिटेल मिल रही है, उस डिटेल के अकॉर्डिंग हमें यही मिल रहा है कि जो जियो गीगा फाइबर है उसकी रेट हमें मिलेगी 599 रुपीज, यानी कि 599 रुपए, पूरा 600 रुपए मान सकते हैं आप उसको, यानी कि 600 रुपए में हमें जियो गीगा फाइबर जो कि हमारा एक ब्रॉडबैंड है, यानी कि हमें ब्रॉडबैंड स्पीड से हमें नेट हमें एक्सेस करने को मिलेगा और उसकी हमें मान लीजिए 100 GB के करीब हमें उसके डेटा में मिलेगा। और उसके बाद में हम अगर उसकी बात करते हैं सेकंड स्टेप की, तो जियो गीगा टीवी हमें उसके अंदर भी देखने को मिलेगा, जिसके 600 प्लस चैनल हमें उसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर काफ़ी HD चैनल भी हमें उसके अंदर शामिल किए गए हैं। और उसके अलावा हमें उसके अंदर लैंडलाइन कॉलिंग भी हमें मिलेगी पूरी की पूरी अनलिमिटेड, पूरी 28 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 599 के अंदर हमें तीन हमें इसके अंदर काम मिलेंगे,
फर्स्ट हमें ब्रॉडबैंड स्पीड से हमें डेटा एक्सेस करना मिलेगा, सेकंड हमें जियो गीगा फाइबर टीवी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, और थर्ड हमें मिलेगा लैंडलाइन कॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, हमें लैंडलाइन कॉलिंग भी इसके अंदर अनलिमिटेड मिलेगी, आप बिल्कुल से असीमित कहीं पर भी भारत के अंदर कहीं पर भी कॉल कर सकते हो विदाउट किसी रोक टोक के, और कभी भी आपका ये मान लीजिए पैसा खत्म होने का कोई भी चांसेस इसके अंदर नहीं मिलेगा। और जो डेटा की स्पीड है, वो डेटा की स्पीड अगर आप एक बार मान लीजिए चलाओगे तो ये सब कुछ आप भूल जाओगे ये मान लीजिए। और जो जियो गीगा टीवी है हमारा, अगर आप उसको एक्सेस करोगे तो 600 चैनल हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि 600 रुपए के अंदर हमें तीन सर्विस हमें देखने को मिलेगी जियो की तरफ से। फर्स्ट सर्विस आपको मैंने बता दिया इंटरनेट की हमें मिलेगी, सेकंड टीवी हमें मिलेगी डीटीएच की, और थर्ड जो हमें सर्विस मिलेगी वो हमारे को मिलेगी कॉलिंग की। तो देखिए दोस्तों, क्यों आप इंडिपेंडेंट टीवी के पीछे अभी भी पड़े हुए हो, इंडिपेंडेंट टीवी सर्विस अपनी नहीं स्टार्ट करने वाला, और करने वाला है तो वो भी कर देगा अपनी सर्विस। आप अभी ऑनलाइन अपनी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो, आपकी जो ऑनलाइन बुकिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है, और अगले महीने के अंदर ही हमारा जियो गीगा फाइबर हमारा लॉन्च होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, कहीं आप भीड़ के अंदर कहीं आप पीछे ना पीछे रह जाओ, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप बिल्कुल एक्टिवेट हो जाइए, और जैसे हमारा अनाउंसमेंट हो जियो गीगा फाइबर के लॉन्चिंग का, वैसे ही आप हमारा ऑनलाइन बुकिंग करा लीजिए, ताकि इंडिपेंडेंट टीवी के भरोसे आप ना बैठे रहो, और अपना जियो गीगा फाइबर से आप ये मान लीजिए नेट भी एक्सेस कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो, और अपना डीटीएच का भी काम यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है जियो की तरफ से, और इंडिपेंडेंट टीवी की तरफ से कोई भी अच्छी खबर अभी देखने को नहीं मिल रही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता लग सके जो इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ता है कि उनको बहुत जल्द इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस देखने को मिलने वाली है, जैसे कि कस्टमर केयर द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन एक चीज और, उनको ये भी पता लग जाए कि बहुत जल्द जियो का जियो गीगा फाइबर भी लॉन्च होने वाला है, यानी कि जियो गीगा फाइबर जैसे ही लॉन्च होगा, आप सभी लोग इंडिपेंडेंट टीवी का नाम भी भूल जाओगे, और इंडिपेंडेंट टीवी सर्विस तो ये मान लीजिए कुछ दे ही नहीं रहा, नाम ही हम याद रख रहे हैं अभी, तो नाम भी आप लोग भूल जाओगे जियो गीगा फाइबर लॉन्च होने के बाद में। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा, और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।